बिहार के बक्सर में भीषण ट्रेन हादसा। आनंद विहार से कामाख्या जा रहे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की सभी 21 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे में 4 की मौत। हादसे में करीब 100 यात्रियों के घायल होने की खबर। उनमें से कई पटना के एम्स अस्पताल में करवाए गए भर्ती। एक्सीडेंट हुआ तो इस टाइप का प्रदर्शित हुआ, जैसे लगा कि भूकंप टाइप से आ गया और गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाने लगी। बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के करीब हादसा। रात 10 बजे के करीब हादसे से मचा हड़कंप। पटरी से उतरने के बाद से भी बोगियां इधर उधर बिखर गई। एक बाइक ब्रेकिंग हुआ, अब ब्रेकिंग होने के बाद जो है गाड़ी धीरे धीरे मतलब झटका लेकर गिरना शुरू हुआ। हम गिरे, गिरने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया कि भाई बेहोश हो गए। एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों में बिखरे पड़े दिखे सामान। यात्रियों ने भागकर बचाई अपनी जान। खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और पुलिस कुछ देर बाद पहुंची। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों ने भी फिर रेस्क्यू संभाला। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए चलाई गई थी विशेष ट्रेन, पहुंचाया गया पटना। बक्सर के डीएम एसपी और तमाम बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। यात्रियों और उनके परिवार वालों की सुविधा के लिए रेलवे ने कंट्रोल रूम बनाया। हादसे की वजह अभी तक साफ ही नहीं। रेल हादसे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर। रूट पर दौड़ने वाली 8 ट्रेनों को किया गया रद्द। रेलवे ने रूट से गुजरने वाली नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी और डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी समेत कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट कर दिया है। बक्सर पटना दीनदयाल उपाध्याय नगर में रेलवे ने बनाए हैं कंट्रोल रूम, जारी किए फोन नंबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारी ली। रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्यों को तेज करने का आदेश दिया गया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्रेन हादसे पर जताया दुख। बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। आज 6वें दिन भी इसराइल का गाजा पट्टी पर हमला तेज। लड़ाकू विमानों ने जमकर बरसाए बम। गाजा पट्टी में घातक हथियारों से इसराइल का प्रहार। आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। फिलिस्तीन के निबलुस शहर पर घातक वार। फिलिस्तीनी सरकार का आरोप कि इसराइल ने किसानों पर बरसाई गोलियां। हमास के अल कासम ब्रिगेड ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे। रेड अलर्ट सायरन बजा तो एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री अपनी जान बचाते नजर आए। बेरी कुबुत्स इलाके में इसराइली मिलिट्री का बड़ा हमला, कई आतंकियों को मारने का दावा। इसराइल ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी को धमाकों में उड़ाया, हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। लेबनान के इलाकों में इसराइल ने फिर से बरसाए बम। हिजबुल्ला के ठिकानों पर निशाना साधा शुरू हुआ। इसराइली डिफेंस फोर्स का बड़ा प्रहार, जिकिम इलाके में कम से कम 8 आतंकियों को मार गिराया गया। दक्षिण इसराइल में फिलिस्तीन ने यूएन में इसराइली हमले का मुद्दा उठाया, कहा कि स्थिति बेहद खतरनाक, निशान जो विनाश जो है कल्पना से परे। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत के बयान की गाजा पट्टी में हो रहे नागरिकों के नरसंहार को रोका जाए। राजस्थान विधानसभा चुनाव की बदली तारीख, अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को होगी वोटिंग, 3 दिसंबर को ही नतीजे। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से तारीख में बदलाव की मांग पर चुनाव आयोग का फैसला। 23 नवंबर को राजस्थान में है सैकड़ों शादियां। संभाजीनगर पहुंचे मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे मनोज जरांगे पाटिल की भव्य स्वागत। मनोज जरांगे पाटिल का बयान कि जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन करते रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आज। छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बैठक। 13 हॉटस्पॉट के लिए एक्शन प्लान तैयार, 13 कोऑर्डिनेशन टीमें गठित। वाराणसी में इसराइल के समर्थन में प्रदर्शन। वीएचपी और अखिल भारतीय संघ समिति ने फिलिस्तीन के खिलाफ नारे लगाए। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण स्मृति स्थल जाने से प्रशासन ने अखिलेश यादव को गेट पर रोका, दीवार लांघकर अंदर पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख। बवाल मचने के बाद बोले अखिलेश यादव, कहा कि जनता की शक्ति के आगे सरकार की शक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकती। गाजियाबाद में महंत यती नरसिंहानंद का सीएम योगी पर विवादित बयान, केस दर्ज होने के बाद मांगी माफी। राजस्थान के सांचौर में बीजेपी सांसद देवजी एम पटेल को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध, कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर पथराव किया। उज्जैन में गौ माता बचाओ यात्रा में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह, कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी झूठी होती है, उन पर नहीं किया जा सकता भरोसा। 13 अक्टूबर से शुरू होगी G20 की संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर होगी चर्चा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी।
बिरला ने कहा कि वैश्विक मंच पर महिला सशक्तिकरण का नजरिया पेश करेगा भारत। पीएम मोदी करेंगे P20 सम्मेलन का उद्घाटन। कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका। शाही ईदगाह को जन्मभूमि घोषित करने की थी मांग। पाकिस्तान के सियालकोट में मारा गया 2016 का पठानकोट आतंक हमले का एक मास्टरमाइंड राशिद लतीफ। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। भारत सरकार का वांटेड आतंकी था यह राशिद लतीफ। एनआईए को भी यूएपीए केस में 30 की तलाश। झारखंड के हजारीबाग में केयर टुडे की पहल पर 400 साइकिल का किया गया वितरण। स्कूली छात्राओं को बांटे गए साइकिल। केयर टुडे के बैनर तले नव भारत जागृति केंद्र का अभियान। खास मौके पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा भी रहे मौजूद। कहा कि हजारीबाग में बनाया जा रहा है साइकिल बैंक। पुराने संसद भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। P20 समिट से पहले अद्भुत नजारा दिखा। पुराने संसद भवन यानी कि संविधान सदन में ही P20 समिट का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी 13 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन। हैदराबाद पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना। दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की। वर्ल्ड कप में भारत की जीत की कामना की। औरैया में निकाली गई शिव बारात। आज से रामलीला की शुरुआत। गुजरात में नवरात्रि से पहले दिखने लगा गरबा का रंग। तैयारी में जुटे लोग। असम के बरपेटा में वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की। खराब भी ठीक करने के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर मौके पर मैकेनिक जो है बुलाए गए। के नांदेड़ में अस्पताल में मौत का सिलसिला जारी। 2 दिनों में 41 लोगों की मौत पर गंभीर सवाल उठे। जालौन में मामूली सी बात पर नाबालिग लड़की से ने फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अजमेर में फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी मांगने का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायसेन में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 21 लाख से ज्यादा का कैश जब्त। 17 किलो चांदी भी बरामद। ओडिशा के भुवनेश्वर में कुएं में गिरी बिल्ली को बचाने के दौरान हादसा। एक शख्स की गिरकर मौत।